गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज का वीडियो कुछ ऐसा है कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ के बारे में, जहाँ पर मैं रहता हूँ कुमारवाड़ा, वहाँ के बारे में आपको अलग अलग प्रकार के दिए और सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे साथ, चलिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इधर मटके कैसे पकते हैं। तो आ जाओ इधर दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको भट्टी बताई थी उसका काम चालू है, वो आपको वो दिखाऊं। बताता हूँ कि भट्टी के अंदर जब मटका डालते उसके पहले कैसे रहते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, ये साँचा है और साँचे के अंदर मिट्टी डाली जा रही है और उसको उस मटके को कैसे शेप दिया जा रहा है, देखो। तो ये गाइस, मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखो, ये मटके ये अभी हाथ से बनाया हुआ है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे बनाया जाता है। पहले ये देखो, पूरा मटका बनके रेडी हो गया है, देख सकते हो। तो हे गाइस, मैं अभी आपको उनसे मिलाना चाहता हूँ जिन्हें थोड़ी देर पहले मैंने मिट्टी के मटके वगैरह बनाना मतलब दिखाया था, उनके मालिक से मिलाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपका नाम बताओ। जितेंद्र प्रेम जी जेठवा। तो सर, सबसे पहले लोगों को ये बताइए कि ये मिट्टी आती कहाँ से और उसको साफ वगैरह कैसे करते हो और कौन सा मटेरियल डाला जाता है, वो पूरा बताइए। मिट्टी थान से आती है, गुजरात से, और इसके अंदर है ना लाल मिट्टी, वाइट मिट्टी और काला मिट्टी, तीनों मिक्स होता है और उसका पानी डाल के उसको मिट्टी को बनाया जाता है। अच्छा, तो जब ये मटके जो बनाते हो आप, वो पूरा हाथों से बनाते हो या किसी मशीन का हेल्प लेते हो? ये हाथ से बनता है और मशीन के ऊपर बनता है ये। तो जब ये मटका बनके रेडी होते हैं तो उसके बाद मतलब उसकी प्रोसीजर क्या, आगे की प्रोसीजर? मटका बनने के बाद ये पूरे बम्बई, महाराष्ट्र, ऑल ओवर एरिया में जाता है ये मटका, और यहाँ से दुबई, सऊदी वगैरह भी जाते हैं पूरा मटका। तो सर, लोगों को ये बताइए, जब मटका मिट्टी से बनने के रेडी हो जाते हैं तो उसको बनने के बाद क्या होता है, उसका उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है? मट्टी को बनने के बाद उसको सुखाया जाता है। अच्छा। सूखने के बाद उसको भट्टी में डाला जाता है और उसको पकाया जाता है। पकाने के लिए लकड़ी का भूसा, तकड़ा और वेस्टेज चिंदी का उपयोग होता है। जब ये मतलब भट्टी, जब ये भट्टी चलती है तो उसका धुआँ कितना इफेक्ट करते हैं आपको? अपने को कुछ इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का ये जो है ना, बचपन से
आदत हो गया है और हम लोग पहले से छोटे थे तभी से धुआं खाते आ रहे हैं। अच्छा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बताइए कि जब मटका भट्टी के अंदर डाला जाता है उसके कितने दिन बाद सेल के लिए मतलब मटका भट्टी में जब पकता है उसके बाद दूसरे दिन ही हम लोग निकाल देते हैं और उसको जो जितने भी व्यापारी लोग हैं वो यहाँ से ही लेके जाते हैं। तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है या कॉन्टैक्ट नंबर से थ्रू आता है? नहीं, हम लोग कॉन्टैक्ट से सब करते हैं और एक दूसरे के वाया वाया पार्टी हम लोग को मिलती है। तो थैंक यू सो मच सर आपका समय देने के लिए। तो चलिए दोस्तों और आगे की बात करते हैं। तो गाइस मैं बाहर आ चुका हूँ और आपको बताता हूँ अलग अलग डिजाइन के मिट्टी के और सारी चीज़ें। ये देखो जैसे कि दिए तो दोस्तों ये देखो, ये है गुल्लक यानी कि पिगी बैंक, हाथों से कैसे बनाया जाता है कुम्भारवाड़े में देखो। ये वीडियो इधर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मेरे चैनल पे अभी वीडियोस आते रहेंगे तो वीडियो को याद से शेयर कीजिए। थैंक यू।